छत्तीसगढ़ के सूरजपुर गांव से एक बेहद ही अजीबोगरीब खबर सुनने को मिली है, जिसे सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सूरजपुर गांव की 10वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग स्टूडेंट ने इच्छाधारी सांप से शादी करने का दावा किया है। इस लड़की का कहना है कि एक इच्छाधारी सांप उसे अपने साथ नागलोक लेकर गया और वहां उससे शादी रचाई। लड़की खुद को पिछले 7 जन्मों से उस नाग की पत्नी बताते हुए किसी और से शादी करने से इनकार कर रही है। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के कसकेला गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा अनीता की बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हैं। अनीता तकरीबन 2 हफ्ते पहले शुक्रवार की शाम वह अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहां एक नाग आया और देखते ही देखते वह इंसान में बदल गया। इसके बाद वह बेहोश हो गई और नागलोक ले जाकर उस नाग ने मांग में सिंदूर भरकर अनीता से शादी की, फिर उसे वापस उसके घर भेज दिया। हैरानी की बात तो यह है कि छात्रा की मांग से सिंदूर नहीं मिट रहा है, और इतना ही नहीं, छात्रा की मांग को पानी से भी धोकर देखा गया लेकिन उसकी मांग से सिंदूर नहीं मिटा। खैर, इस खबर में कितनी सच्चाई है हम इसका दावा नहीं करते हैं। SPN9 न्यूज रूम की ये रिपोर्ट।